Hello to all of you. We are in our video series of 5 minutes where we are understanding the concepts of 50, 54 or 0625. तो आज जो हम बात करने वाले हैं आपसे, बेस क्वांटिटीज हमने देखी थी और उन बेस क्वांटिटीज में से सबसे पहली जो बेस क्वांटिटी है उसकी हम बात करने वाले हैं और वो है लेंथ। तो ये कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन है लेंथ के लिए। लेंथ होती क्या है? लेंथ एक बेस क्वांटिटी है, सही है, एक स्टैंडर्ड है जो कि डिफाइन किया साइंटिस्ट ने मिलके। जिस यूनिट में ये मेजर करा जाता है वो मीटर है, और सेंटीमीटर और किलोमीटर इसके, सेंटीमीटर इसका एक छोटा यूनिट है एंड किलोमीटर जो है इसका एक बड़ा यूनिट है। तो हम देखेंगे कहाँ पे हम सेंटीमीटर और किलोमीटर का इस्तेमाल कर रहे होंगे। और सबसे पहले जो 1 मीटर की लेंथ थी वो एक प्लैटिनियम इरिडियम रॉड है जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर पे प्लेस है, और वहां पे जो उसकी जो लेंथ है उसको 1 मीटर कहा जाता था। लेकिन आज लेंथ किसको कहा जाता है और लेंथ क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि वी आर प्रोग्रेसिंग इन अवर नॉलेज। तो लेंथ की अब जो न्यूएस्ट डेफिनेशन है वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन एनी पर यूनिट टाइम। सो व्हाट इज लेंथ बच्चों? कुछ नहीं है, ये डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस है जो कि लाइट ट्रेवल कर रही है, स्टैंडर्ड बनाया गया है किसी भी पर यूनिट टाइम में इन अ वैक्यूम। और बेसिकली हम क्या मेजर कर रहे होंगे लेंथ में? हम यही चीज मेजर कर रहे होंगे। हम कोई भी चीज अगर मेजर कर रहे होते हैं और हम बोलते हैं उसकी लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो बेसिकली वी आर मेजरिंग द डिस्टेंस। गेटिंग इट? सो नाउ लेट्स मूव अहेड। द बेसिक एम ऑफ दिस वीडियो वो ये है कि आप ये सीखें कि अगर हमारे पास डिफरेंट तरीके की लेंथ हैं तो उनको कैसे हम डिफरेंट तरीकों से मेजर कर सकते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिनसे उसको मेजर किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी हुई है वॉल, अ वॉल, एंड वी हैव द टू पॉइंट्स हियर। वन पॉइंट इज ए एंड वन पॉइंट इज बी। लेट से हम इस वॉल के दरमियान में कोई भी पैनाफ्लेक्स या कोई भी सीनरी या कोई भी पिक्चर प्लेस करना चाहते हैं, तो उसका साइज कितना बड़ा रखना है, उसकी लेंथ कितनी बड़ी रखनी है, वो हमें मेजर करना है। तो ये डिस्टेंस है इन दो पॉइंट्स का, और अगर हमें इसे मेजर करना है तो हमें इसे मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, आपने देखा होगा कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, वो उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं टेप, मेजरिंग टेप। इसी तरीके से अगर मेरे पास एक छोटे सा रेक्टेंगल है या क्यूब है और मुझे उसका एरिया मालूम करना है या उसकी लेंथ और बेस मेजर करनी है, तो ये आ गई लेंथ और ये आ गई बेस। इसी तरीके से अगर मेरे पास ये क्यूब है, इसकी आप लेंथ ले लीजिए और इसकी आप बेस ले लीजिए, तो ये छोटे बहुत बड़े से नहीं है, बहुत बड़े वॉल जितने नहीं है, तो इसके लिए एक्सेलरेशन हम यूज कर लेते हैं रूलर, जिसको हम बोलते हैं मीटर स्केल। अब ये तो बड़ी कॉमन सी चीज थी। लेट्स से कि हमें एक फुटबॉल और गोल्फ बॉल का सर्कमफेरेंस मेजर करना है। अब फुटबॉल का सर्कमफेरेंस मेजर करने के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे डिवाइस, जो मजीद हमारे लिए बेहतर होगा, वो होगा कि हम टेप इस्तेमाल करें। अब गोल्फ बॉल है, गोल्फ बॉल पे के लिए हमारे पास कैलिपर्स एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हमारे क्लोज का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास कैलिपर्स नहीं है तो हम
इतनी बड़ी गोल्फ बॉल के लिए भी टेप को इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि टेप जो है वो बआसानी रैप हो जाएगा अगर हम सरफेस एरिया सवालों को करना चाह रहे हैं गोल्फ बॉल का या फुटबॉल का। फिर हम आ जाते हैं स्फेयर पे। स्फेयर बहुत छोटा, बहुत छोटा। इसका डायामीटर मालूम करना है, तो ये तो बहुत ही छोटा है। इसके लिए हम इस्तेमाल कर लेंगे माइक्रोमीटर। सर यू आर टेलिंग अबाउट ऑल द इंस्ट्रूमेंट। टेप, वी हैव सीन टेप, वी हैव सीन रूलर, वी हैव सीन वेरी अदर टाइप्स ऑफ रूलर, मैनी अदर टाइप्स ऑफ टेप, बट वी हैव नॉट सीन दिस इंस्ट्रूमेंट दैट इज नोन एज माइक्रोमीटर। या यू हैव नॉट सीन इट, और इसके बारे में आपको बताया जाएगा, और टेप और रूलर के बारे में भी आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी एम क्या है कि हाउ कैन यू मेजर डिफरेंट वैरायटी ऑफ लेंस बाय यूजिंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। तो ये अलग अलग वैरायटी ऑफ लेंस थी। अगर एक बॉल थी उसकी लेंथ मेजर कर रहे थे तो टेप यूज किया, अगर एक रेक्टेंगल या क्यूब था तो मीटर स्केल यूज किया। फुटबॉल गोल्फ बॉल के सरफेस एरिया के लिए टेप, और स्फेयर के डाया के लिए माइक्रोमीटर यूज किया। अब सवाल ये होना चाहिए यही क्यों यूज किया, दैट इज द क्वेश्चन, और उसका आंसर आपने दोनों देना है। पर इस वीडियो में हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि लेंथ क्या है, और लेंथ के साथ साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंथ के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं या कर सकते हैं। अगली वीडियोस में हम देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट की कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, कैसे इसको समझना है, इन तमाम चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल।